इस क्वेश्चन को समझने का पहले प्रयास कीजिए, ठीक है। मुक्ता स्टडीज फॉर 2 and 1/5 hours, ठीक है, यानी कि वो 2 and 1/5 hours तो पढ़ती है, ठीक है। एट होम, वो कहाँ पढ़ती है, घर में। एंड वॉचेस टीवी, और वो टीवी देखती है 1/3 hours, ठीक है। तो क्या करना है, हाउ मच टाइम्स डज सी स्पेंड ऑन स्टडीज एंड वॉचिंग टीवी। वो टीवी देखने के लिए और टीवी पढ़ने में दोनों मिला के कितना समय वो लगाती है। तो यहाँ पे देखिए गिवन क्या दिया हुआ है, मुक्ता स्टडीज टाइम यानी उसका पढ़ने का समय कितना है, 2 घंटा और 1/5 hours, ठीक है। उसके बाद क्या, मुक्ता स्पेंड टाइम ऑन ऑन स्टडीज, वो जो सॉरी वॉचिंग टीवी। तो वॉचिंग टीवी यानी कितना टीवी देखने में टाइम लगाती है वो, 1/3 hours, ठीक है। टोटल टाइम स्पेंड, टोटल टाइम कितना उसका खर्च होता है, तो टाइम स्पेंड इन स्टडीज, उसको पढ़ने में जो समय लगता है, एंड और प्लस कर देंगे टाइम स्पेंड इन वॉचिंग टीवी, और जो यानी कि पढ़ने में जो समय खर्च हुआ और टीवी देखने में जो समय खर्च हुआ, वो दोनों के मिला के हम लोग करते हैं। यहाँ पे देखिए तो कितना, इतना था जो सो पढ़ने के लिए टाइम लगाती थी और इतना टाइम टीवी देखने के लिए लगाती थी। तो दोनों को क्या करना, सबसे पहले मिक्स फ्रैक्शन है, इसको सिंपल में कर देंगे तो 5 × 10 = 11, तो 11/5 यानी 11/5 हो गया, और प्लस 1/3 तो 1/3, ये दोनों को हम लोग एलसीएम लेंगे 15 और 3 का। तो दोनों के एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 15 आएगा। और इससे पहले वाले में मैं बता चुका हूँ कि कैसे ये फ्रैक्शन एडिशन करते हैं, या फिर यहाँ पे हमने सीधा कर दिया है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए 3 से 11 को, तो 33 हुआ। और इसको क्या करेंगे, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आ गया, ये दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो गया, 38 और नीचे 15 है तो 15 आ गया आवर्स, ठीक है। इसी को हम लोग फिर कन्वर्ट करेंगे, तो कन्वर्ट कर दिए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 15 और 38, 15 × 2 = 30 हुआ, माइनस करेंगे 8 आया। तो मिक्स फ्रैक्शन में बदलने के लिए आपको बताया गया है, ये 8 जो है वो ऊपर चला जाता है, यानी जो शेषफल इसको बोलते हैं हिंदी में, तो 8 / 15 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 2 आ जाएगा, ठीक है, इतना आवर्स हो जाएगा, है ना। इसको लिखिए या फिर इसको लिखिए, दोनों में दोनों सही है, ठीक है। ओके, आई होप यू कम्प्लीटली अंडरस्टैंड दिस